नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एटू जेड। मामा ने किया रिश्तों को शर्मसार, भेड़िए मामा ने भांजी को बनाया हवस का शिकार। बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बाद मामा हुआ फरार। यूपी के बांदा में आज रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके सगे मामा ने ही दुष्कर्म जैसी विवस्त घटना को अंजाम दे डाला। कहा जाता है कि मामा यानी माँ का भाई, इसका यदि शाब्दिक अर्थ निकाले तो दो माँ का प्यार देने वाला एक व्यक्ति होता है, जिसे समाज में लोग मामा के नाम से जानते हैं। लेकिन जब मामा जैसा रिश्ता भी अपने रिश्तों को कलंकित कर देता है, तो समाज में खुलेआम घूमने वाले भेड़ियों से क्या उम्मीद की जा सकती है। यदि कानून व्यवस्था की बात करें, तो कानून के नुमाइंदे केवल समाज में खुलेआम घूमने वाले हवस के भूखे भेड़ियों पर ही लगाम लगा सकते हैं, न कि घर के अंदर अपनी हवस को पाल रहे इन भूखे भेड़ियों पर लगाम लगाना बहुत ही मुश्किल है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रिश्तों को शर्मसार करते हुए एक बच्ची के मामा ने उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। पूरी घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित मासूम बच्ची ने बताया है कि कल रात हम सभी लोग अपने घर पर सो रहे थे, तभी देर रात मेरे मामा ने मुझे सोते हुए अपनी गोद में उठाकर गांव से बाहर ले गया, और जब मेरी नींद खुली तो मैंने मामा से पूछा कि मुझे कहां ले जा रहे हो, तो मेरे मामा ने यह जवाब दिया कि बहुत दूर जा रहे हैं। इसके बाद काफी देर बीत जाने के बाद एक नहर किनारे मेरे मामा ने मेरे साथ अश्लील हरकत करते हुए बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और मुझे घायल अवस्था में वहां से छोड़कर भाग गया। जैसे तैसे गांव के लोगों की नजर मुझ पर पड़ी, तो उन लोगों के द्वारा मुझे संबंधित थाने ले जाया गया, जहां पर पूरे मामले की जानकारी मैंने पुलिस को दी। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए घटना की जानकारी मेरे परिजनों को दी। जब मेरे परिवार के लोग पुलिस थाने पहुंचे, तो पुलिस के द्वारा मुझे मेडिकल के लिए बांदा जिला महिला अस्पताल लाया गया। वहीं जब संबंधित थाने इंचार्ज से जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया है कि बच्ची के बयान के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा लगातार आरोपी मामा की तलाश की जा रही है। जैसे ही आरोपी पुलिस की हिरासत में आएगा, तो तत्काल अग्रिम कार्रवाई करते हुए सजा दिलाने का काम किया जाएगा। समाचार डिजाइट के लिए बांदा से ब्यूरो रिपोर्ट। चंदू मामा, मामा है कहाँ ले गए थे बेटा? कहाँ छोड़ के भाग गया? किसके साथ सो रही थी तुम? सो रहे थे कटिया पे, हमको रात के चल आया। हम कटिया पे रात में सो रहे थे और रात के चल आवा कटिया से। कहाँ निभा गए थे बेटा? मामा नहर पे है बेटा, नहर पे। मामा कहाँ निभा गया था तुम? नहर में। तो तुमने नहर निभा गया था? तुमने पूछा नहीं कि कहाँ ले जा रहे हो? नहीं, हमने पूछा मामा कहाँ जा रहे हो, कर हम बहुत दूर जा रहे हैं। अच्छा, फिर वहाँ ले जाके बदतमीजी कर रहे थे? क्या किया बेटा, क्या क्या किया बता दो। उनको मारते करने दे, चिल गई तो मार के फेंक दो। फिर कहाँ बेटा फेंक दिया था उनको? मार के भाग गया। कर मामा हमको न छोड़ा, हमको न छोड़ा, छोड़ के भाग गया। तुमने बेटा किसी से बताया? किससे बताया था? क्या किया मामा, किससे बताया तुमने? फोन पे बता दिया है। किससे बताया तुमने? गांव पे। अच्छा, क्या बताया था? सब बता दिया। क्या नाम है भैया आपका? एक क्या घटना घटी, क्या मामला है? दरअसल क्या हुआ कि रात को यहाँ से टोला गांव पड़ता है सिमोनी के पास, वहाँ से लड़की को उसका मामा उठा के लेके आया है। अच्छा, उसके साथ बहुत ही बुरी दुष्कर्म किए हैं उसको पकड़ के, यहाँ हमारे गांव चोटरा में ग्राम पंचायत के अंदर वहाँ छोड़ गया। वह इसी हालत में सुबह लोगों ने देखा जाके वहाँ पे, लड़की मिली गई तो उसको लाया गया, उसके बयान लिए गए, पूछा गया तो उसने बताया कि जो लड़का लेके आया है उसको उसके मामा है, चंदू नाम है, ये रजू ग्राम पंचायत माता की लड़की है, अपने मामा के यहाँ विगत 2 सालों से रह रही थी अपनी माँ के साथ। फिर जब उसको पुलिस को सूचना आई, पुलिस को सूचना से मैंने फोन किया, उसके बाद पुलिस आई और उसको ले गई मेडिकल के लिए। क्या बजे की घटना है? कितने बजे? रात को हुई होगी घटना, सुबह हम लोगों को जानकारी हुई है। क्या उस आरोपी मामा को पुलिस ने पकड़ा है कि भाग गया है? अभी अभी तक तो नहीं।
सूचना प्राप्त हुई कि थाना तिंदवारी के अंतर्गत क्योटरा गांव में एक बच्चे से गलत काम हुआ है। उसी में आगे पूछताछ प्रकाश में आया कि जो बच्चे है वो अपनी माँ और मामा के साथ रहती है और उसके मामा के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बच्ची स्वस्थ है, उसका चिकित्सा परीक्षण कराया जा रहा है।